बिहार राज्य गया जिला के बजरगंज प्रखंड के रेंगना गांव में करीब 500 लोगों का घर है। वहां पर सिर्फ 70 लोग महादलित घरे के लोग निवास करते हैं। उन लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, तभी वो लोग रेंगना गांव के मध्य विद्यालय में ही रह रहे हैं और वहां पे ही वह करीब 70-80 सालों से वहां पे रह रहे हैं। घर द्वार नहीं है तो अभी मिला है तो बसने के जमीन नहीं नहीं है तो कहाँ है, नहीं हुआ है नाती अभी तक। तो आप लोग अभी बसे हुए कहाँ? स्कूल जमीन, स्कूल के जमीन बसा हुआ है, बसल है यही सर पर। किसान लोग रहे, हर जन कहाँ भाग जाए। रामधनी मांझी और उनके पत्नी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर रहते हैं तो वहाँ के दबंग जाति और गांव के लोग बोलते हैं और कई बार मारपीट का भी सामना करना पड़ा। जे आता जे एक ठोठक लगा देता कि बसे ना इससे करे ना उजार देवो आग लगा देवो तो की करी। गम खा के रहे भाई कि सरकार के जमीन में सरकार हमनी के अब जे कर देती बसाथी ना चाहे उजार देती। फरमाना मिला है 22 गो के इधर मिला है और एक आदमी दो आदमी का और मिला है दूसरे जगह 87-88। तो आप लोग का दिक्कत क्या है? दिक्कत तो यही है कि हम लोग का रहने का साधन नहीं, मकान नहीं है, बहुत तकलीफ है। परिवार की संख्या अधिक बढ़ गया है, रहने में बहुत तकलीफ होता है। हमानी के नाफी करके सरकार दे देती और आस्ती मन से लड़ाई झगड़ा नहीं होवे बाबू। हम ही अपना बैठ जीवे जा करके आप कुछ नहीं, अब लड़ाई वाला ने हमानी के झेल नहीं करथन। एकदम रास्ती मन से मनी के जमीन मिल जाए जे देती तामा तुम से बाकी लड़ाई वाला में। सरकार कोई सुनाइए नहीं करते तो क्या करें हम? जाते हैं तो कितने बार दरवाज़ा गए, कचहरी ऑफिस जाते हैं लेकिन सीओ साहब सुनते नहीं। सीओ साहब क्या बोलते हैं? सीओ साहब कहते हैं कि जाइए, होगा बाद में होगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सीओ साहब का मोबाइल नंबर 8544412530 पर फ़ोन कर वहाँ के ग्रामीणों को नापी कराने में और उन लोगों को बसाने में उनका सहयोग करें। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडियन हट के लिए।